स्क्रीन के ऊपर जो आपको फोटो दिख रही है उसको तो उनको तो आप जानते ही होंगे। ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। इन्होंने हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो ये दूसरे गवर्नर बन चुके हैं जिन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, शक्तिकांत दास। इनके कुछ काम देख लेते हैं। शक्तिकांत दास के काम, कोरोना महामारी के दौरान ब्याज दरों में कटौती की थी, साथ में कोविड में कुछ महीने ईएमआई यानी कि जो ईएमआई होती है नहीं देने से छूट दी गई थी। राजनीतिक दबाव और आर्थिक संकट के बीच इन्होंने बैलेंस बनाया था। देश में यूपीआई पेमेंट का विस्तार तेजी से इन्होंने ही किया था, इन्हीं के काल के अंदर हुआ था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, जो रुपया आप समझते हैं, जो डिजिटल रुपया लॉन्च किया है वो इनके ही काल के अंदर किया गया। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त रवैया, यानी कि 30% तक उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो ये आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। इनसे पहले एक और गवर्नर को ये अवार्ड मिल चुका है। वो थे जो ये अवार्ड कौन वो कौन थे, तो वो थे रघु सॉरी उनका नाम था रघुराम राजन। 2015 में इनको भी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था।